के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास खत्म। फुल कोर्ट इजलास तकरीबन ढाई घंटे तक जारी रहा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी हसीब, क्या बताया गया इस एलामिया में और किन अमूर पर डिस्कशन हुई इस इजलास में? देखिए, ये फुल कोर्ट का इजलास जो है वो तलब किया गया था जस्टिस याहिया, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से, जिसके ऊपर आज तमाम जजेस ने इस फुल कोर्ट के अंदर शिरकत की है। और इसके साथ साथ जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि उम्रे की अदायगी के लिए मुल्क से बाहर गए हुए थे, उन्होंने भी वीडियो लिंक के जरिए इस फुल कोर्ट इजलास के अंदर शिरकत की है। इजलास के अंदर बेसिकली जो एजेंडा था वो अंदरूनी इंतजामी मामलात के ऊपर था। इसके साथ साथ जो केसेस का डेडलॉक था उसके ऊपर भी जो है इसके इस एलामिये के अंदर जो है वो वादे किया गया है कि रजिस्ट्रार के थ्रू जो है तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो मांगा गया था कि कितने केसेस जो हैं वो इस वक्त पेंडिंग में हैं और तमाम तर जो केसेस हैं उनकी टोटल तादाद जो है वो कितनी है। तो बेसिकली जो है ये आज फुल कोर्ट का ये इजलास था जो कि जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही के अंदर हुआ है। इससे कब जो है जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, उनकी तरफ से ये बारहा कहा गया था, खत भी लिखे गए थे कि फुल कोर्ट इजलास तलब किया जाए, जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फैज ईसा, उनकी तरफ से जो है फुल कोर्ट नहीं तलब किया गया था। बेसिकली जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये मौकिफ अख्तियार किया गया था कि जब तक फुल कोर्ट नहीं बुलाया जाता वो किसी भी जो है खसूसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। जिसके बाद देखा गया कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने जैसे ही हल्फ उठाया उसके बाद उन्होंने ये फुल कोर्ट इजलास तलब किया। आज हसीब मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मालूमात दी।